बयान भी सामने आया है। उन्होंने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। अभी हरप्रीत के परिवार वाले इस वक्त हमारे साथ हैं। आप हरप्रीत के कौन हैं? मैं उनका मामा हूं जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम बलदेव सिंह सिद्धू है जी। ये गोली मारकर हत्या कर दी गई, गोविंद जो है वो भी घायल है, ये कोई पहले से अदावत थी या उसी समय ये सब? जनाब ऐसा कुछ भी इस तरह का ना आज तक उनकी किसी तरह की रंजिश थी, ना ही उनका किसी तरह का कोई ऐसा वास्ता था, ना ही उनका नेचर था ऐसा, तो पहले कोई ऐसी रंजिश वाली बात ही नहीं थी। ये जो भी हुआ अचानक कैसे हुआ किसी पता, कोई ऐसा नहीं कि कोई जरा सी बात पर कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उनके के सामने कोई बात की हो। हल्का वो निकलते हुए जैसे पास निकले, जैसे कि हमें बताया गोविंद ने कि वो पास से निकल रहे थे और कहते हट जा भाई पीछे से हट जा, और बहसबाजी यानी कि थोड़ी सी उन्होंने हल्की सी बहसबाजी की है, और उसके बाद वो कहने लगा ये तो बच्चा यार बच्चा, उनसे साइड में बच्चा समझ के साइड में कर रहे थे, और इतने में पीछे से उन्होंने निकाल कर एक ने गोली मार दी उसके। यानी उनके पास हथियार पहले से मौजूद थे, किसी से भी विवाद होता वो इस तरह के अपराध को अंजाम दे सकते थे। जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल। से आरोपियों के बारे में पता चल रहा है अभी जिनकी गिरफ्तारी हुई, इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी पहले से रहा है, लेकिन ये नाबालिग हुआ करते थे इसलिए छूटते थे, क्या और आसपास लोगों को पता था इस तरह का? आसपास के लोगों को पता तो मेरे ख्याल से जी जितने भी लोग वहाँ भी उस टाइम मौजूद थे उसके बाद आए हैं, लेकिन सभी को पता है यहाँ पर जितने भी लोग हैं यहाँ पर सुभाष मोहल्ले के अंदर शैतान चौक के आसपास सभी को पता है कि उनका क्या है क्या नहीं, और हर आदमी यानी कि वो भी बेचारे उनसे दहशत खाते हैं। ये क्या हो कि इस तरह का फिर से ये अपराध ना कर सकें? मैं तो ये चाहता हूँ कि जी जितना भी हो सके अपराधी आदमी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जो भी हमारी कानून की धाराएँ लगती हैं उसके अंदर कहीं भी किसी तरह का उसे कम ना आका जाए सर, उसे जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा सजा होगी तो उसी से हमें खुशी मिल सकती, मेरे परिवार को, क्योंकि मेन कमाने वाला आदमी सारा कुछ माँ को देखने वाला वही था, तो हमें जितना जैसा हमारे को दुख हुआ है इस दुख को हम तो व्यक्त नहीं कर सकते शब्दों में, तो बाकी जैसा भी है जितनी ज़्यादा सख्त कार्रवाई होगी तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई उसे आजीवन कारावास हो, मेरी तो अपनी मन की इच्छा यही है, बाकी किसी तरह का मैं ये, और अगर हो सकता है अगर फांसी हो जाती है तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में मामा भांजे पर फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक रास्ते के विवाद में हरप्रीत गिल और उनके मामा गोविंद सिंह को गोली मारी गई थी। इस घटना को अंजाम देने का आरोप माया गैंग पर लगा है। पुलिस ने मुख्य आरोपी समीर उर्फ माया और उसके साथी बिलाल उर्फ मल्लू को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनके तीन साथियों की इस वक्त तलाश की जा रही है। पांच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रोड रेज का ये मामला जिसमें हत्या कर दी गई। सीसीटीवी से इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ है। माया गैंग पर आरोप है जिसमें दो आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, बाकी के तीन आरोपियों की तलाश की जा रही है। और ऐसे में जबकि अब तमाम आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, भजनपुरा के इसी मकान में हरप्रीत रहते हैं और ये परिवार के लोग इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है और लगातार उनके परिजन अब ये गुहार लगा रहे हैं कि हमें न्याय दिया जाए, और पुलिस अब तमाम और आरोपियों की तलाश में भी है। हरप्रीत की माँ यहाँ पर और परिवार के तमाम लोग सांत्वना देने के लिए यहाँ पर जुटे हुए हैं। हरप्रीत को लेकर के जिस तरह का दर्द है वो दुनिया देख भी रही है, समझ भी रही है। आरोपियों को आप किस तरह की मांग करती हैं, क्या बोल के गया? मेरा बच्चा कह गया था मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, पर मुझे 10 मिनट इतने महंगे पड़ गए कि मैंने सारी जिंदगी का ही रोना दे गया। मुझे पता होता था मैं छड़े ना देती उसे, मैं यही जाती हूँ मौत की सजा दी जाए, उन्हें फांसी दी जाए मेरे बच्चे को, नहीं तो मेरा बच्चा ला दो मुझे, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो, और नहीं तो उनको फांसी दे दो। मेरे को यही से मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, योगी को यहाँ बुला लो दिल्ली में, यहाँ इतने बड़े बड़े आज मेरे बच्चे का हुआ है, कल को कहीं मेरी तरह कोई बाप भी लगती नजर आई फिर आप उसके पास जाओगे उसे रोक लो, इस हत्या करने वालों को रोक लो, ये नहीं तो अत्याचार बढ़ता जाएगा, ऐसे ही माए रोती रहेगी भी लगती रहेगी, आज मेरे बच्चे को मारा कल को किसी और के बच्चे को मार देगा, अगर ये ना रोका गया ना
मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे बच्चे का न्याय दे दो मुझे, मुझे न्याय चाहिए। मैं मेरे बच्चे के जब से दिल्ली के अंदर मुख्य अमित केजरीवाल तब से यानी कि सारे में ये परिवार का जो दर्द है ये हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब लगातार यही मांग की जा रही है कि सख्त से सख्त सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए। हरप्रीत के भाई भी इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी ये चोट लगी थी, कैसे ये पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है? हरप्रीत के पास आप जाने के लिए जब निकले थे तब शायद एक्सीडेंट हुआ? हाँ जी जी, मेरी बाइक फिसल गई थी खजूरी पे, तब एक्सीडेंट। क्या पता चला हरप्रीत के बारे में आपको 29 तारीख के? मेरे पे कॉल आई कि ऐसे ऐसे गोली लग गई बड़े भाई के, तो मैं जैसी निकला तो इतने में बाइक फिसल गई थी। बाइक पे भी खून खून हो रहा है और मेरे भी लग रही है। क्या हो गया था, क्या विवाद हुआ, कोई लड़ाई हुई थी उसके बाद इस तरह से गोली मारी गई, क्या पता चला था आपको बताया गया? कुछ भी नहीं, वो तो खाली अपने जॉब से ही मतलब रखता था, सीधा जॉब से घर और घर से जॉब, और कहीं नहीं आता जाता नहीं था, ना किसी से फालतू यारी दोस्ती ना कुछ, ऐसा कुछ मैटर नहीं था। और ये परिवार के लोग हैं जो लगातार ऐसी बातें हरप्रीत के बारे में बता रहे हैं कि वो ये बात लगातार कहता था कि माँ मैं तुम्हारे जितने भी सपने हैं वो आगे पूरा करूँगा। बताया ये भी जा रहा है कि उसके अच्छे काम को देखते हुए कंपनी उसे बाहर भी भेज रही थी। जी, उसे बेंगलोर भेजा जा रहा था उसे प्रमोशन करने के लिए सर जी। तो उसके अंदर किसी तरह की ऐसा उसका नेचर अच्छा था, हार्ड वर्क करता था, तभी ही उसकी प्रमोशन की गई थी। और 5 सितंबर को उसे यानी कि दिल्ली से बेंगलोर जाना था ट्रांसफ़र होकर, और उनके जितने थे डायरेक्टर थे चीफ डायरेक्टर सारे उसके काम